राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल इजी लाइफ विद शिखा में। दोस्तों हिंदू उपवास में ग्यारस या एकादशी का व्रत बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। ऐसा कहा जाता है कि जीवन का अंत ही सबसे कठिन होता है और उसे सुधारने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। उन्हीं में से एक है डोल ग्यारस। भादो शुक्ल पक्ष के 11वें दिन यह ग्यारस मनाई जाती है। इस वर्ष 2023 में डोल ग्यारस यानी परिवर्तनी एकादशी या जिसे वामन जयंती भी कहा जाता है, यह 25 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन बड़े बड़े जश्न मनाए जाते हैं, झांकियां प्रस्तुत की जाती हैं। रात्रि के समय सभी पूरे परिवार के साथ रथ जगाकर डोल देखने शहरों में जाते हैं। इसका महत्व श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था। एकादशी व्रत सबसे महान व्रत में आता है, उसमें भी इस ग्यारस को बड़ी ग्यारस में गिना जाता है। इसके प्रभाव से सभी दुखों का नाश होता है। समस्त पापों का नाश करने वाली इस ग्यारस को परिवर्तिनी ग्यारस या वामन ग्यारस एवं जयंती एकादशी भी कहा जाता है। इसकी कथा सुनने से ही सभी का उद्धार हो जाता है। डोल ग्यारस की पूजा एवं व्रत का पुण्य वाजपेय यज्ञ अश्वमेघ यज्ञ के तुल्य माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु एवं बाल कृष्ण की पूजा की जाती है, जिनके प्रभाव से सभी व्रतों का पुण्य मनुष्य को मिलता है। इस दिन विष्णु के अवतार वामन देव की पूजा की जाती है, उनकी पूजा से त्रिदेव पूजा का फल मिलता है। अब आगे यह जान लेते हैं कि इसे परिवर्तनी एवं वामन ग्यारस क्यों कहा जाता है। यह प्रश्न युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से किया था, जिसके उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा, इस दिन भगवान विष्णु अपनी शैया पर सोते हुए करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी ग्यारस कहा जाता है। इसी दिन दानव बलि को, जो कि एक धर्मपरायण दैत्य राजा था जिसने तीनों लोकों में अपना स्वामित्व स्थापित किया था, उससे भगवान विष्णु ने वामन रूप में उसका सर्वस्व दान में ले लिया था एवं उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर अपनी एक प्रतिमा को राजा बलि को सौंप दिया था। इस प्रकार इसे वामन जयंती कहा जाता है। डोल ग्यारस के उपलक्ष्य में एक और कथा कही जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप का जलवा पूजन किया गया था, अर्थात सूरज पूजा। इस दिन माता यशोदा ने अपने कृष्ण को सूरज देवता के दर्शन करवाकर उन्हें नए कपड़े पहनाए एवं उन्हें शुद्ध कर धार्मिक कार्यों में सम्मिलित किया। इस प्रकार इसे डोल ग्यारस भी कहा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण के आगमन से गोकुल में जश्न हुआ था, उसी प्रकार आज तक इस दिन मेले एवं झांकियों का आयोजन किया जाता है। माता यशोदा की गोद भरी जाती है, कृष्ण भगवान को डोले में बैठाकर झांकियां सजाई जाती हैं। कई स्थानों पर मेले एवं नाट्य नाटिका का आयोजन भी किया जाता है। अब बात करते हैं डोल ग्यारस की पूजा विधि के बारे में। इस दिन सभी अपनी मान्यताओं के अनुसार पूजा एवं व्रत रखते हैं। ग्यारस के व्रत का महत्व हिंदू धर्म में सबसे अधिक होता है और इसमें भी चौमासे में आने वाली ग्यारस को अधिक महत्व दिया जाता है। डोल ग्यारस के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन चावल, दही एवं चांदी का दान उत्तम माना जाता है। व्रत जगा करके पूरे जश्न के साथ यह व्रत पूरा किया जाता है। इसकी कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है। धार्मिक मनुष्य को इस व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण का बाल श्रृंगार कर उनके लिए डोल तैयार किए जाते हैं। जन्माष्टमी व्रत के मंदिरों में इस दिन भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण को पालकी में बैठाकर शोभा यात्रा निकाली जाती है, उनको स्नान कराया जाता है। इस एकादशी के दिन व्रत करके भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत में धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प आदि से पूजा करने का विधि विधान है। 7 कुंभ स्थापित किए जाते हैं। 7 कुंभों में 7 प्रकार के अलग अलग धान भरे जाते हैं। इन 7 अनाजों में गेहूँ, उड़द, मूँग, चना, जौ, चावल और मसूर हैं। एकादशी तिथि के पूर्व की तिथि अर्थात 10वीं तिथि के दिन इनमें से किसी धान्य का सेवन नहीं करना चाहिए। कुंभ के ऊपर श्री विष्णु जी की मूर्ति रखकर पूजा की जाती है। इस व्रत को करने के बाद रात्रि में श्री विष्णु जी के पाठ का जागरण करना चाहिए। यह व्रत 10वीं तिथि से शुरू होकर 12वीं तिथि तक जाता है, इसलिए इस व्रत की अवधि सामान्य व्रतों की तुलना में कुछ अधिक लंबी होती है। एकादशी तिथि के दिन पूरे दिन व्रत करके अगले दिन यानी 12वीं की तिथि के दिन प्रातःकाल में अन्न से भरा घड़ा ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। राजस्थान में जल झूलनी एकादशी को डोल ग्यारस एकादशी भी कहते हैं। इस अवसर पर यहाँ भगवान गणेश और माता गौरी की पूजा एवं स्थापना की जाती है। देवी देवताओं को नदी तालाब के किनारे ले जाकर इनकी पूजा करते हैं। संध्या समय में इन मूर्तियों को वापस ले जाया जाता है।
दोस्तों उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगले वीडियो में लेकर आने वाली हूँ मैं डोल 11 व्रत का था, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।